सीसीटीवी 24 न्यूज, एलआरडीसी और लोक शिकायत के आदेश पर भी नहीं हुआ अतिक्रमण मुक्त। अंचलाधिकारी अतिक्रमण कार्यों को दे रही पना। बेरिया प्रखंड के तधावानंदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुआ अतिक्रमण मुक्त जमीन। पीड़ित कलावती देवी पति हरेंद्र प्रसाद की जमीन को शारदा देवी पति योगेंद्र प्रसाद के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। वही कलावती देवी के पुत्री लालसा देवी ने बताया कि हमारी जमीन को विगत वर्ष 14 मई सन 2018 में अतिक्रमण किया गया, जिस समय मैंने थाना और अंचलाधिकारी के पास लिखित आवेदन दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैंने एलआरडीसी बेतिया में केस दायर किया और कुछ दिन बाद डिग्री मिल गई और वहां से अंचलाधिकारी को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिया गया, लेकिन अंचलाधिकारी अतिक्रमण जमीन को खाली नहीं करा सकी। उसके बाद लोक शिकायत के पास भी आवेदन दिया गया, वहां से भी डिग्री मिली और वहां से भी लेटर पैड भेजकर आदेश निर्गत कराया गया। जल्द से अतिक्रमण जमीन को खाली कराएं, उसके बाद भी नहीं मुक्त कराया गया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जमीन पर शारदा देवी के द्वारा मकान भी बनवा लिया गया। जब हम लोग अंचलाधिकारी से बोलते हैं तो अंचलाधिकारी के द्वारा 10 से 15 दिन में खाली कराने को कहकर बात टाल देते हैं और ऐसा करते करते 3 साल बीत गया तो पुनः लोक शिकायत और एलआरडीसी के पास लिखित आवेदन दिए तो वहां से भी लेटर भेजा गया कि 1 माह के अंदर अतिक्रमण जमीन को खाली कराया जाए। उसके बाद भी अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि अंचलाधिकारी के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वही इस संबंध में अंचलाधिकारी से पूछने पर कुछ बताने से किया इनकार कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण बेतिया से ब्यूरो चीफ पिंटू कुमार की रिपोर्ट। क्या समस्या आप लोग? एलआरडीसी में दो बार गए जी, तो क्या बोले हैं? सीओ साहब के हम नहीं खाली कराएंगे जी। वहाँ से एलआरडीसी लिखित दिए हुए हैं जी। तो सीओ क्या बोले हैं? सीओ साहब कहेंगे जब करेंगे तब हम नहीं होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? लालसा देवी। आपका अतिक्रमण जमीन को सीओ क्यों नहीं मुक्त करा रहा है? जो पैसा लिया है, बिका गया है, वो खाली नहीं करा है। यहाँ आवेदन दिए, जमीन खाली था, खाली जमीन में घर बनवा दिया है और एलआरडीसी के पास केस चल रहा था। एलआरडीसी दो बार ऑर्डर किए, उसके बाद के कोई भी नहीं कर रहा है। सीओ बोल रहा है कि नहीं हटाएंगे हम, सीओ के पास आ रहे हैं तो बोल रहा है जो मर्जी वो कर लो, लेकिन हम नहीं हटाएंगे, खाली नहीं करेंगे, खाली करेंगे नहीं करेंगे। कितने दिन से आप लोग सीओ के पास आ रहे हैं लोग अतिक्रमण जमीन को खाली कराने के लिए? 2018 से जी। अभी तक खाली नहीं हुआ? अभी तक खाली नहीं हुआ, घर बनवा दिया है, उसमें पैसा लेकर पार्टी से घर बनवा दिया है। मांग रहा है कि 50,000 रुपये दे तो खाली कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। गरीब आदमी कहाँ से ला कर देंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र प्रसाद जी। किनके घर बना दिए हैं, बनवा दिए हैं सीओ? वीरेंद्र प्रसाद कलावती देवी। घर कहाँ पड़ेगा? वार्ड नंबर 7।